Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
13 ओवर का मैच होगा 90 मिनट में इनको है ये मुकाबला 2 घंटे के अंदर अंदर खत्म करना है। मतलब 13 ओवर का ही मैच होने वाला है, 13 ओवर से ज्यादा कुछ है नहीं, 13 ओवर तक आपको इंतजार करना होगा। Thank you.
गाइस अब 13 ओवर का मुकाबला होगा, देखते हैं 13 ओवर में क्या अपडेट है वो आपको मिलता है, निकल के आता है, क्योंकि 13 ओवर का ही मैचेस है। और अभी प्लेयर्स है वो मुझे लगता है अंदर आने की शुरुआत कर चुके हैं, और जब प्लेयर अंदर आ जाए तो और क्या चाहिए गाइस, मुझे लगता है अब जल्दी मुकाबला शुरू हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्रिक वर्ल्ड की तरफ और कुछ और फाइनल अपडेट भी आपको दिखाते हैं। चलिए गाइज अब आपको क्लियर नज़र आ रहा है प्लेइंग 11 आपको मैंने दिखा दी है, ये है प्लेइंग 11 और मैच हैज बीन रिक्लूड हो चुका है। 13 ओवर्स ए मतलब साइड एक वन साइड 13 ओवर डाले जाएंगे और पावर प्ले और ड्यू टू रेन ये कर दिया इन्होंने, पावर प्ले है जो 4 ओवर का कर दिया है। और यहाँ पे आपको है काफ़ी सारा मजा आने वाला है, आप सभी से अनुरोध है कि एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अब मुकाबला बहुत ही धाकड़ होने वाला है तो अब बस आप मजे लीजिए इस मुकाबले के लिए, हमारे साथ जुड़े रहिएगा और एक लाइक करना बिल्कुल ना भूलेगा, एक लाइक ही मुझे लगता है सब कुछ है वो हैंडल कर सकता है यहाँ पे, तो भाई एक लाइक जरूर कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलें। ये है मैचेस आपके लिए बहुत ही बढ़िया, यहाँ पे लंबे लंबे हिट भी आपको देखने को मिल जाएंगे। और टॉस की अगर बात करें ये टॉस आपके लिए परफेक्ट बैठेगा यहाँ पे, और आप अपने तरफ से यहाँ पे परफेक्ट अपनी ड्रीम इलेवन टीम है वो क्रिएट कर पाएंगे। और टीम की अगर बात करें ऐसी वैसी टीम नहीं, आप बहुत ही धाकड़ टीम है वो क्रिएट कर पाएंगे और मजा ले पाएंगे इस बढ़िया से मुकाबले का। अब चलिए टॉस हो चुका है, मुकाबला अब शुरू होने वाला है। न्यूजीलैंड टीम ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला लिया है, कितने बजे ये मुकाबला है जो शुरू होगा इनके बारे में आपको बताएंगे। चलिए गाइस जो भी अपडेट निकल के आएगा सबसे पहले आपको देने की पूरी कोशिश करेंगे, हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए और शानदार मैचेस का है मजा लीजिए गाइस, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद, आभार व्यक्त करते हैं आप सभी का। हेलो टॉस हो गया, हाँ भाई टॉस हो चुका है और वुमेन्स न्यूजीलैंड की टीम ने टॉस जीतकर फील्डिंग करने का फैसला लिया है। और ये प्लेइंग 11 आपके स्क्रीन के ऊपर मैंने आपको प्लेइंग 11 है जो नजर दिया है, तो इस प्लेइंग 11 को आप देख सकते हैं, ये प्लेइंग 11 आपके लिए मैंने यहाँ क्रिएट की है, तो इन्हें आप देखिए। अब मुकाबला शुरू होगा तब चलेंगे मैच की तरफ और बताएंगे क्या अपडेट निकल के आ जाए इसमें। जी हाँ बढ़िया मैच, मज़ेदार मुकाबला, हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए और शानदार मुकाबले को है जो हमारे साथ देखते रहिएगा, क्या बात है बढ़िया बहुत ही शानदार। गाइस यार एक लाइक कर दिया, क्या बात है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद यार, हम तो छोटे बंदे हैं यार। न्यूजीलैंड ऑफ वन, जी हाँ न्यूजीलैंड की जो टीम है, प्लेइंग 11 मैंने दे दिया, देखिए आप स्क्रीन के ऊपर टोटल प्लेइंग 11 आपको नजर आ रहे हैं। न्यूजीलैंड बैटिंग करेगी यार, बॉलिंग करेगी, न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर फील्डिंग करने का फैसला लिया है। 13 ओवर का मैच होगा पर साइड, 13 ओवर यहाँ पे है जो डाला जाएंगे, हर टीम को 13 ओवर डालने हैं और पावर प्ले 4 ओवर का रहेगा और 3 ओवर दो प्लेयर्स डाल सकते हैं, उसके बाद दो दो ओवर ही सबको मिलेंगे, दो प्लेयर्स को है जो तीन प्लेयर को 3 ओवर मिलेंगे, बाकी सबको दो दो ओवर ही मिलेंगे मुझे ऐसा लग रहा है जहां तक हमारा ज्ञान है। मार्टिन, जी हाँ मार्टिन और आज तो हेली, क्या बात है मूड में है कुल मिला के, हेली आएगी ओपनर, हेली और बैट मूडी दोनों ओपनर आएंगे, उसके बाद लेनिंग आएगी, मेग लेनिंग और फिर एयंस आएंगी, ये है ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग 11 आपको देखिए स्क्रीन के ऊपर दे दिया, आप आराम से वहाँ पे देख कर है जो हमें बता सकते हैं कौन कौन से प्लेयर आपके लिए बेस्ट है कौन कौन से नहीं है और मैच के बारे में क्या अपडेट होने वाला है सब कुछ वहाँ पे आपको मिल जाएगा। ये टॉस हो चुका है तो वहाँ पे टॉस देख सकते हैं कि अपडेट है टॉस का, मैच होने वाला है मैच का अपडेट देख सकते हैं और उस पर जो भी है क्लियर आपको नजर आएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, वापस रुकिए आप सभी,
चलिए गाइस मुकाबला स्टार्ट हो चुका है, चलिए चलते हैं मैच की तरफ, क्योंकि अब धाकड़ मुकाबला शुरू होने वाला है, मजेदार मुकाबला शुरू हो चुका है। और यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि दो गेंदें यहाँ पे डाल दी ऑलरेडी, रनों की अगर बात करें मुझे लगता है काफ़ी बढ़िया रन रेट रहेगी यहाँ पे, आप सभी है जो आराम से देख सकते हैं। और टीम का क्या हालात होगा ये भी हम आपको बताएंगे, बस आप सभी हमारे साथ जुड़े रहिए इस बेहतरीन मुकाबले के अंदर। उम्मीद है आप सभी जुड़े हैं तो हमें भी अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए गाइस दो गेंदे हो चुकी है और पहला चौका निकल जाएगा यहाँ पे, बहुत ही शानदार शॉट यहाँ पे मुझे लगता है खेलने को मिलेगा और बेहतरीन शॉट यहाँ पे, एक और चौका मिलेगा यहाँ पे, बहुत ही बढ़िया यहाँ पे पर साइड है जो किरावर का मैचिंग होता गाइस आप सभी को बताइए। और बहुत ही बढ़िया मेरा चैनल मेरा नाम ले लो मेरे भाई आपका नाम मैंने ले लिया है, अब मुकाबला शुरू हो चुका है और पहले ही दो गेंदे भी कुछ आए नहीं और तीसरी गेंद में यहाँ पे एक चौका मिलेगा जी हाँ, बेहतरीन चौका यहाँ पे, चार रन मिलेंगे पूरे और चार रन के साथ टीम का स्कोर चार हो चुका है। और ये पहला चौका हेली के बल्ले से निकलता हुआ, चार गेंदे खेल के एक चौका जरूर है हेली हमारा था यहाँ पे, और मुझे लगता है यहाँ पे हेली की तरफ से बहुत ही बढ़िया यहाँ पे अपडेट है वो मिल रहा है, हेली को भी काफ़ी फायदा होने वाला है इस मैच से। अगर हम बात करें हेली की टीम बहुत मजबूत इस मैच में यहाँ पे जाने के लिए तैयार है और बहुत ही बढ़िया शॉट क्या बात है, एक और चौका इसी चौके के साथ स्कोर है जो टीम का बहुत ही मजबूत और बहुत मजेदार स्कोर होने वाला है जी हाँ, बहुत बड़ी आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ लाइव जुड़े रहने के लिए। और मुझे लगता है ये मैसेज आपके लिए और भी शानदार अपडेट लेके आए और काफी बढ़िया मैसेज होने वाला है। ओहो ऑल क्या बात, मैच सब होगा, मैच हो चुका है मेरे दोस्त, तो मैच स्टार्ट हो चुका है और मैच में मजा आने वाला है। यहाँ ओवर यहाँ पे समाप्त हो चुका है, ओवर की अगर बात करें हम तो ओवर यहाँ पे ऑलरेडी है वो समाप्त हो चुका है और इसी के साथ अगर हम बात करें तो ये जो एक ओवर समाप्त हुआ अभी तक और दूसरे ओवर की अगर बात करें तो किनको ओवर है वो दिया जाएगा, क्योंकि दूसरा ओवर ही यहाँ पे मेन होगा और छह गेंदे यहाँ पे हैं ऑलरेडी खेल चुके हैं और चार रन यहाँ पे इजीली है बने, सिर्फ चार रन बने, गेंदे जरूर है वो छह पूरी खेली है इन्होंने, रन सिर्फ चार ही बने हैं, सबसे बड़ी बात यही है। तो क्या लगता है आपको, एक और बढ़िया शॉट यहाँ पे चौके की तरकरार रहेगी, क्योंकि चौका निकल जाएगा तो मजा आएगा गाइस, एक चौका ही तो चाहिए और क्या चाहिए गाइस, एक बढ़िया शॉट निकल जाए यहाँ पे तो मजा आ जाए इस मुकाबले में। मेरा नाम ले लो भाई, आपका नाम जरूर लेंगे यार, बिल्कुल लेंगे, आप बिल्कुल निश्चित होकर बैठ जाइए, आपका नाम जरूर लेंगे, बट उम्मीद करते हैं आप सभी को मजा आएगा। स्कोर की अगर बात करें हम, यहाँ पे एक ओवर समाप्त होता हुआ, चार रन जो बने हैं टीम के तो मुझे लगता है बहुत बढ़िया रन है, रनों की रफ्तार है वो बढ़ती रहेगी और जैसे जैसे रन बढ़ेंगे वैसे वैसे मजा आएगा। चलिए चलिए लाइव मैचेस का मजा लीजिए, क्योंकि टीम आ चुकी है यहाँ पे क्लियरली, मैच बहुत ही धाकड़ होने वाला है, फ्यूचर मैच है वो लेटर है, उसके लिए आप चेंज कर सकते हैं, आपको मजा आएगा गाइस। न्यूजीलैंड की टीम ने बहुत ही बढ़िया कमाल कर दिया अभी तक, तो अभी है जो पहला ओवर डाला था अभी मुझे लगता है मैं आएगी, इसके बाद धाकड़ गेंदबाजी है इनके पास भी और ये अपने विकेट को है जो मुझे लगता है आसानी से है विकेट लेने का पूरा प्रयास करेंगे, और अगर इनको विकेट मिल गया तो फिर समझ लीजिएगा विकेट मिल जाएगा इनको भाई। एक विकेट तो मिलना चाहिए इनको, विकेट तो मिलना चाहिए गाइस, न्यूजीलैंड वुमेन की टीम है, बहुत ही बढ़िया मुकाबला है और शानदार मुकाबला आप सभी को पता ही है। और 10 बजे मैच स्टार्ट हो चुका है मेरा तो, चलिए अब टोटल कितनी विकेट जी हाँ पहला विकेट मिला है और यहाँ से जाना होगा वापस मोडी को या फिर रैली को, जी हाँ एक को जाना होगा वापस, पहला विकेट यहाँ पे गिरता हुआ, मोडी आउट हो चुकी है तो बैट को निकाल दीजिए और एलिजा अभी भी है तैयार इस मैच को, एलिजा एली अभी भी तैयार है इस मैच को खेलने के लिए, क्योंकि मोडी का विकेट गिर चुका है तो बड़ी मोडी की बात करें तो थोड़ा संशय जरूर है, बट अब क्या करें विकेट गिर चुका है तो कुछ करना होगा उनको, एक बेहतरीन कहा जाएगा गेंदबाजी बहुत ही अच्छी यहाँ पे विकेट मिल चुका है, पार्टनरशिप का अभी तक 8 की पार्टनरशिप हुई थी और इसके बाद विकेट गिरने पे तो ज्यादा कुछ मजा भी नहीं है यार, एक विकेट गिर चुका है तो फिर प्रॉब्लम तो ऑलरेडी है यार, कहाँ गए यार 45-46 यूजर्स थे वो सब कहाँ चले गए, कहाँ तुम चले गए,
चिट्ठी न कोई संदेश। थोड़ा सा डाउन चल रहा है यार, क्या कर रहा है आपको? चलिए गाइस, 8 रन हो चुके हैं और तीसरी गेंद पे दो दो रन लिए, फिर विकेट गिर चुका है यहाँ पे। एक और विकेट का जो प्रॉब्लम है वो तो इनको होना ही है, क्योंकि विकेट के कारण इनको है जो लॉस हुआ है, और अगर ऐसे ही लॉस होता गया तो मुझे लगता है इनको बड़ा लॉस हो चुका है विकेट का, बहुत बड़ा लॉस। गाइस बहुत ही बड़ा लॉस हो चुका है यहाँ पे विकेट में चुकाने के लिए। ओ मेरा दिल भी तो ऐसे कोई दुखाएगा। ईडन पार्क, यहाँ ईडन पार्क के अंदर ये मैचेस खेला जा रहा है। विकेट के बाद एक वाइड गेंद, वाइड गेंद का और भी होगा नुकसान। जितनी वाइड डालेंगे इनको ही नुकसान है, बाकी कुछ है नहीं, जितनी वाइड डालेंगे इनको ही प्रॉब्लम है। आपको क्या लग रहा है इसकी वाइड की वजह से प्रॉब्लम है या फिर अदर प्रॉब्लम भी हो सकता है? वाइड गेंद जितना डालेंगे उतना प्रॉब्लम। मेरा नाम ले लो भाई, आपका नाम जरूर लेंगे, क्यों नहीं लेंगे यार, आपके नाम पे तो सब कुछ अवेलेबल है मेरे दोस्त। यारा मैं क्या करूं तुझ पे रब दिखता है, यारा हाँ सरदे शर झुकता है, भूल चलिए गाइस अब देखते हैं जो भी अपडेट होगा फाइनल अपडेट रहेगा। गाइस अब देखते हैं क्या अपडेट निकल आएगा। मैच तो मैंने आपको बता दिया है क्या अपडेट रहने वाला मैच का, वो भी आपको बता दिया है, और मुझे लगता है बहुत ही शानदार मुकाबला होने वाला है। पता है आप सभी का बहुत बताने वाला हमारे साथ, लाइव जुड़े रहने के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और इन शानदार मैचेस का है जरूर आप सभी मजा लेंगे। देखते गाइस क्या अपडेट निकल आएगा, बहुत ही बढ़िया मुकाबला है, रोमांचक मैच होने वाला है यहाँ पे। और इस मैच की अगर हम बात करें तो इस मैच से बहुत बढ़िया है। गाइस बेहतरीन चौका, चौके के साथ हुआ टीम का और भी स्कोर मजबूत। चलिए गाइस बहुत ही बढ़िया, यहाँ पे आप सभी को बता दें मुकाबला है वो बड़ी स्थिति में और अच्छी तरह से चल रहा है और मज़ेदार मैचेज है गाइस। मुझे उम्मीद है कि इस मुकाबले में आपको काफ़ी सारा है जो फ़ायदा भी होने वाला है, तो बनाए रखें इस मुकाबले को आपके पास और मज़ा लीजिए गाइस। आप सभी हमें फॉलो करते रहिए, अभी तक नहीं किया तो कोई बात नहीं है, फॉलो कर लीजिए क्योंकि ये मैच बहुत ही शानदार होने वाला है।
कमेंट बॉक्स, लाइव मैच नहीं आ रहा भाई, लाइव मैच कहाँ पे आ रहा है वो तो मुझे भी देखना होगा। लाइव मैच की अगर हम बात करें तो वो तो हमें भी देख के ही पता करना होगा कि लाइव मैच आपको नज़र आ रहा है या नहीं आ रहा है, क्योंकि आना चाहिए गाइज। उम्मीद करते हैं लाइव मैच भी आएगा नज़र, मज़ा भी आएगा, बट क्या पता क्या हो जाए। अभी करंट व्यूज़ अगर बात की जाए तो ज़्यादा कुछ है नहीं, और मुकाबले की अगर बात की जाए बहुत ही बढ़िया मुकाबला है। 9 यूज़र हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस मुकाबले को लेके, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और इस शानदार मैचेस का है जो हमारे साथ मज़ा लीजिएगा। इस मुझे लगता है ये मुकाबला आप सभी के लिए बहुत ही बढ़िया होने वाला है, और ऐसे ही मुकाबले अगर चलते रहेंगे तो काफ़ी मज़ा आएगा गाइज। स्कोर की अगर बात करें तो काफ़ी अच्छा स्कोर आपके लिए यहाँ पे हो जाएगा। रनों की अगर बात करें तो काफ़ी अच्छे रन आपको यहाँ पे मिल जाएंगे गाइज। अभी रन हो चुके हैं 14 रन हो चुके हैं 1 विकेट के नुकसान पर, और 14 रनों की अगर बात की जाए ये रन बहुत ही बेस्ट है। 14 रन यानी बहुत ही बढ़िया रन है, और इसी रनों के साथ है जो टीम का स्कोर भी है काफ़ी अच्छा मजबूत हो जाएगा गाइज। आप सभी हमसे जुड़ सकते हैं, हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, अभी तक आपने किया नहीं है तो टेलीग्राम का लिंक हम आपको है जो ऑलरेडी दे चुके हैं। तो क्रिक 11 प्लस टेलीग्राम है, उसे आप ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। ये मुकाबला आपके लिए बहुत ही बढ़िया होने वाला है, और रन तो आपको पता ही है 14 रन हो चुके हैं, और ज़्यादा डॉट गेंदे खेलने का मौका मिलेगा नहीं। अगर ज़्यादा डॉट गेंदे खेलेंगे तो मुझे लगता है और ज़रूर टीम के अंदर दबाव है वो बन जाएगा, और इसी दबाव के कारण ही टीम को है जो मुझे लगता है काफ़ी सारा है जो उठाना पड़ता है। दबाव सबसे बड़ी चीज़ है, अगर आपके पास दबाव है तो फिर आप कुछ खास कर नहीं पाओगे, मुझे ऐसा ही लग रहा है गाइस। तो दबाव बिल्कुल ना रखें, जितनी अच्छी बातें हैं उतनी कीजिए, दबाव बिल्कुल हटा लीजिए दिल से, क्योंकि दबाव है तो फिर काम करने का मज़ा नहीं है गाइस। दबाव से काम करने का मज़ा है वो बिल्कुल निकल जाता है, और उम्मीद करते हैं कि आपको ये हमारा मैच और भी बढ़िया लगे गाइस। उम्मीद करते हैं आप सभी को अच्छा लगा होगा हमारा अपडेट, अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ एक लाइक बनता है कर लीजिएगा, एक छोटा सा लाइक बनता है, अगर आप उसे कर लेंगे तो हमारी तरफ से आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं हम आपको, क्योंकि धन्यवाद हमेशा देते आए हैं और आगे भी देते आएंगे बिल्कुल। बस आप सभी सपोर्ट है, ऐसे ही करते रहिएगा हमारा। तेरी मेरी कहानी जी हाँ, बढ़िया रन यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं, अच्छे रन है। आप सभी बनाइए, रनों की रफ्तार को रोकिए ना, अगर रफ्तार रुकी तो फिर थोड़ा सा आया जो डिले है वो गलत नहीं होगी। आप सभी को काफ़ी अच्छे रन बनने चाहिए, जैसे ही रन बनेंगे हम आपको हमेशा याद करते आ रहे हैं यार कि रन बन रहा है, वाह। चलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद गाइस, हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए, और इस शानदार मैचेस का है हमारे साथ मज़ा लेने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप हमारे साथ जुड़े हैं, इससे ज़्यादा हमें क्या चाहिए। क्या होगा देखते हैं, कमेंट बॉक्स में आ जाइए यार। जिसको जो करना है कर लो, हम तो इसी मैच में चलेंगे। हम जिएंगे और मरेंगे है वतन तेरे लिए, दिल लिया है। ओहो, चलिए गाइज ये बहुत ही बेहतरीन शॉट यहाँ पे, और पूरे रन मिलेंगे। वापस बारिश आ चुकी है, इसी के साथ मुकाबला आया, थोड़ा और डाउन होगा, और ये मुकाबला ऐसे ऐसे डाउन कैसे कितने दिन चलेगा मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है गाइज। बहुत डाउन हो चुका है मैच, और अगर इस प्रकार से ही चलता रहा तो मुझे लगता है गोटा कोटी घुमाना पड़ेगा यार। गाइज ये बारिश नहीं है, मुझे लगता है एक बारह है बारह, इस बारिश के कारण तकलीफें बढ़ गई है गाइज, तकलीफ ही तकलीफ हो गई है, क्या करें अब कुछ समझ में नहीं आ रहा। बारिश आई वापस और काम कर लिया पूरा तमाम। जी हाँ, इसी बारिश के साथ हम आपको बताएं तो स्कोर टीम का है जो थोड़ा और डाउन होगा, बारिश की वजह से प्रॉब्लम जो है वो आई है, और इसी के कारण नुकसान जरूर हुआ दोनों टीमों की। अगर बात करें दोनों टीमों को प्रॉब्लम होगा बारिश के कारण, और रेन अगर रुकेगी तभी है जो मज़ा आएगा। मुझे लगता नहीं कि अब रेन वापस रुकने वाली है, स्टॉप हो चुका है अब तो इस मैच में, थोड़ा और भी डाउन स्थिति में जाएगा ये मैच, मुझे ऐसा ही लग रहा है।
आप भी कमेंट करके बताइए रैन बारिश इनकी वजह से जो नुकसान है वो कब तक क्लियर हो जाएगा। गाइज आप सभी हमें कमेंट करके बताइए, क्योंकि आपका एक कमेंट हमारे लिए बहुत कीमती है और एक कमेंट बनता ही है। आप जैसे ये कमेंट कर लेंगे तो यहाँ पर क्या बात है, बारिश आ रही है यहाँ पे, आने दीजिए मेरे दोस्त, अब बारिश तो आएगी, बारिश का काम है आना। बस आप सभी है जो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले, जैसे ही आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो मुझे लगता है ये मुकाबला और भी मेरे लिए बढ़िया हो जाएगा। गाइज उम्मीद है आप सभी से, दिल भरी उम्मीद से देखते हैं यार क्या कुछ न कुछ होना चाहिए, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दिल से धन्यवाद देते हैं आप सभी को यार। उम्मीद है सीने से लेके जाऊं मैं वहां, क्योंकि मुझे पूरा भरोसा है कि मैच वापस शुरू होने की कगार पे आएगा, मजा आएगा इस मुकाबले में गाइस, बहुत ही शानदार मैचेस आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे, और बढ़िया मुकाबला इंग्लैंड के मैचेस भी आपको देखने के मिलेंगे। आईपीएल आने वाला है, आईपीएल में भी हम आपको परफेक्ट लाइनअप देंगे। एक लाइक कर लीजिएगा गाइज, आप सभी ने अभी तक नहीं किया है तो एक छोटा सा लाइक बनता है। 14 रन जरूर बने थे और वापस है इसी मुश्किल स्थिति में, रैन के कारण है जो बारिश के कारण यहाँ पे स्टॉप हो चुका है, और अब स्टॉप हो चुका है तो फिर आपको पता ही है कि ये थोड़ा नुकसान तो जरूर है, तो क्या बताएं आपको। आपकी क्या राय है कि अब वापस ट्विटर हैंडल पर जाके चेक करना होगा कौन सी टीम की क्या राय है, कितने रन है जो बना सकती है, वो सब देखना होगा, मुझे ऐसा ही लग रहा है गाइस। जी गाइस मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि बारिश के कारण जो प्रॉब्लम आपको आई है वो वापस आ सकती है गाइस। जी आखिर क्लियर प्लस टेलीग्राम चैनल है, आप उन्हें ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे कि हमें भी है जो फ़ायदा होगा, आपको भी फ़ायदा होगा, आपको टीम है वो परफेक्ट मिलती रहेगी। अभी इसी के साथ रैन स्टॉप के कारण बारिश जो स्टॉप हुई है उसका कुछ हम आपको बताएंगे कि इनका आपको क्या करना है, बट करिएगा ज़रूर, नहीं तो हो जाएगा नुकसान, ज़रूर करिएगा गाइस। ओ तेरा दिल भी तो कोई ऐसे दुखाएगा बार बार मुझको आएगी ओ दिल तोड़ के। मुझे उम्मीद है बुरा कि होना नहीं चाहिए, होना नहीं चाहिए, होना नहीं चाहिए। अब बारिश का तो क्या करें यार, बार बार ऐसे बारिश आएगी तो प्रॉब्लम तो होना ही है ना, अपने को ही होना और किसको होएगा। दिल ने ये कहा है दिल से मोहब्बत हो गई है तुमसे, बारिश के कारण जो मोहब्बत हो गई है उनका क्या करें, अब बारिश बहुत ही ज़्यादा बारिश है और बारिश तो बूंदाबांदी के कारण भी मैच है वो रुक जाता है, तो प्रॉब्लम तो आती है आप सभी को पता ही है, बट आप सभी बिल्कुल टेंशन ना लीजिएगा क्योंकि हम लाए हैं आपके लिए एक बेहतरीन चीज, हमने कहा है कि हम आपको लाइव है वो पूरा दिखाएंगे और दिखाने का पूरा प्रयास भी कर रहे हैं गाइस। उम्मीद टूटनी नहीं चाहिए बस, और क्या है गाइज, मैच का तो क्या है, कभी भी डाउन प्ले अप हो सकता है, मैच का कुछ है नहीं ऐसा। ऐसे ही लाइक करते रहिएगा यार, अब मुकाबला वापस शुरू कब होगा इनके बारे में भी देखना होगा। बारिश बारिश, चलिए चलते हैं ट्विटर हैंडल पे और देखते हैं कितनी बारिश है। दिल का दरिया बह ही गया बह, एंजल ट्यूटर देख लेता हूँ यार मैं क्या,
वंस का क्या होगा मेरे यार। चलिए वापस बारिश आ गई है, ऑकलैंड क्रिकेट में मैच हो रहा है, बारिश की वजह से और भी नुकसान हुआ है टीम को। जी गाइस अब दूसरा मैचेस देखेंगे क्योंकि 11 बजे वो भी शुरू होने वाला है, तो मुश्किलें कहीं बढ़ ना जाए इनके लिए भी, आपको है जो तैयार होना पड़ेगा। बारिश आ चुकी है तो बारिश के कारण और भी स्थिति है वो थोड़ा डाउन हो चुका है, और अगर ऐसे ही बारिश चलती रही तो मैचेस में और भी गड़बड़ी है वो होती रहेगी। होना नहीं चाहिए, बारिश रुक जाना चाहिए गाइस। क्या कहना है आप सभी का कि इस बारिश के अंदर क्या बारिश ऐसे ही चलेगी तो फिर प्रॉब्लम तो होगा यार, बारिश अगर ऐसे चलेगी तो। गाइस क्या लगता है आपको? जी हाँ, बारिश मैं बारिश कर दूँ पैसों की जो तू हो जा मेरी। चलिए 21 यूज़र हमारे साथ जुड़े हैं, उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं उन सभी को, क्योंकि अब मुकाबला आया वो एक बारिश की रेस में चला गया है। जैसे बारिश बंद होगी तो वापस मुकाबला शुरू होगा, बट एक और बात है वो भी मुझे देखनी है क्योंकि हम अब क्रिक बच को देखेंगे थोड़ा सा क्या अपडेट है। चलिए यहाँ पे फिर अभी बांग्लादेश वाला मैच है, उनके बारे में भी देखना पड़ेगा। न्यूजीलैंड बांग्लादेश है, 1 घंटे में शुरू होने वाला है, और 1 घंटे में अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये भी ईडन पार्क में ऑकलैंड में ही होने वाला है। तो अब दोनों टीमों के लिए मुश्किलें बढ़ चुकी है। न्यूजीलैंड का जो मैच है वो भी इसी स्टेडियम में है, तो मुझे लगता है कि सावधानी बरतनी होगी, नहीं तो ये मैच होना बहुत मुश्किल हो जाएंगे। न्यूजीलैंड को भी नुकसान होगा इस बारिश से। 2 मैच एक साथ में है, 11:30 बजे और मैच है, अगर वो भी धुल गया बारिश में तो फिर उसके बाद मुझे लगता नहीं कि कितनी देर बाद ये मुकाबला आपको वापस लाइव देखने को मिलेगा, ये तो देख के ही हम बताएंगे। बट क्या बताएं अब आपको, एनालिसिस अगर हम बात करें तो 2331 लोगों ने अभी तक हमारे इस वीडियो को देखा है, तो उनका भी हम धन्यवाद देना चाहते हैं। यूट्यूब सर्च पे देखा है और ब्राउज़र डायरेक्ट टू अनलॉक अदर यूट्यूब फीचर्स, ब्राउजरिंग से बढ़िया है साइंस, अभी ही हमने लाइव किया था यहाँ पे, और मोनेटाइजेशन हो चुका है तो अच्छी बात है, मोनेटाइजेशन है इसका। और एनालिसिस मैंने देख लिया है, टू डिस्ट्रॉय आवर एग्रीमेंट रिचर्ड कैमल ट्रैफिक चर्चिंग 7.5K इंफॉर्मेशन है, व्यूज इंफॉर्मेशन 3.4K, वॉच टाइम फॉर इंफॉर्मेशन आवर 53 आवर्स, और 1% प्रोपन योर यूट्यूब टोटल ट्रैफिक 0.1 प्रोफेशनल प्रोफेशनल वी व्यू यू। तुझे देख के जीता हूँ मैं दिन रात यू ही सदा। न्यूजीलैंड लाइव एनजेड एंड न्यूजीलैंड 16% है न्यूजीलैंड वाले में, और लाइव वाले में थोड़ा ज़्यादा है, मुझे लगता है इतने परसेंटेज है। न्यूजीलैंड वुमेन्स T20 T20 में 20% ट्रैफिक। जी गाइज यही तो बात है, यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं प्रोफेशनल ट्रैफिक के बारे में, कहाँ पे कितना इंफॉर्मेशन है वो लग रहा है। ग्लोसरीज व्यूज अदर व्यूज ट्राइव सब्सक्रिप्शन प्लान से टाइप है टाइप ट्रांजेक्शन टाइप वीडियो फिल्टर्स न्यूजीलैंड में लाए। कथा है पुरुषार्थ की ये सादगी अभिमानी। क्या लगता है आपको गाइज कि अपडेट में मजा आने वाला है? क्या लगता है गाइज बताइए आप सभी मुझे, क्योंकि क्योंकि अपना टाइम आएगा, क्योंकि क्योंकि आएगा जरूर आएगा यार, एक बार तो आना ही है और 100% आएगा। तेरे साथ में आ जाने से मेरा दिल भी जलने लगता है। मतलब बताएंगे यार, मतलब बताएंगे बताएंगे बताएंगे, बिल्कुल रहिए हम आपको बताएंगे, पब्लिश करा रहा।
दिल ने ये कहा है दिल से, मोहब्बत हो गई है तुमसे, मेरी आओ मेरी आओ मिलोने क्या लगता है गाइस आपको कि मुकाबला और भी बेहतरीन होगा या फिर डाउन ही लग रहा है गाइस, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मुझे तो लग रहा है यार बेस्ट होना चाहिए, अब मुकाबला शुरू हो जाना चाहिए क्योंकि अब ज़्यादा समय रहा नहीं है, जितना अच्छी तरह से शुरू हो जाएगा उतना मुझे लगता है मज़ा आएगा गाइस। सबसे ज़्यादा यही है यार, बाकी मुझे लगता नहीं कि कुछ ज़्यादा है वो होने वाला है, बट मज़ा आने वाला है इस मुकाबले में। चलिए कोई बात नहीं है, जब भी होगा वापस है जो ये मुकाबला शुरू होने ही वाला है, अब बारिश का तो क्या पता कब तक रहे ना रहे, वो देख के हम आपको बताएंगे, बट उम्मीद करते हैं लाइव न्यूजीलैंड डब्ल्यू एंड ऑस्ट्रेलिया एंड थर्ड T20 लाइव एंड T20 लाइव इन हिंदी कमेंट्री। चलिए अब कितने मिनट से शुरू होगा ये भी देखना होगा, बांग्लादेश वाला जो न्यूजीलैंड बांग्लादेश है 2 मिनट से 2 घंटे बाद वो भी है मैचेस है, तो अब स्थिति यहाँ पे थोड़ा सा डाउन जरूर लग रहा है मुझे, बट इतना अगर डाउन होगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा भाई। क्या कहना है आप सभी का, हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए और मुझे ज़रूर बताइए भाई। तेरी यादों में मेरी बाहों में लगाऊं, क्या लगता है गाइज आपको क्या धाकड़ मैचेस होने वाला है, क्या मजा आएगा इस मुकाबले में, देख के जरूर बताइएगा गाइज क्योंकि मुझे लगता है कि मजेदार मुकाबला है, तो अब देखते हैं वंडरफुल मैचेस, साइंस फ्यूचर अपडेटेड ट्रैफिक शेयर की अगर हम बात करें, ब्राउजर सिमोर क्या लगता है गाइज आपको, क्या लगता है गाइज कि मजा आएगा लाइव NZWAAW NZWAAW। ओ बन्ना आप पियो दरुड़ोशा, ओहो आप यार कमेंट कहाँ पे पड़े कुछ समझ में नहीं आ रहा, यहाँ पे चालू करने पड़ेंगे कमेंट क्योंकि कमेंट मुझे यहाँ पे दिख नहीं रहे, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि कमेंट वाली प्रॉब्लम है, उनको देखने के लिए मुझे कुछ करना पड़ेगा, आपके कमेंट आते रहेंगे तो हम पढ़ते भी रहेंगे, ये मैचेज है कुछ इसमें क्या आपने भाई, क्या बारिश बार बार होगी यार, ये बारिश है भाई क्या बताएं अब यार, बांग्लादेश का मैच है वो भी इसी स्टेडियम है भाई, होना बहुत मुश्किल है, अगर ये होगा तो वो होगा नहीं तो वो भी नहीं होगा क्योंकि बारिश है वहाँ पे भी, दोनों एक ही स्टेडियम मैच होने वाला है ना, इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम है वो ज़्यादा ही क्रिएट करना पड़ रहा है गाइस, अब करना तो पड़ेगा क्या करेगा इस बारिश है तो फिर अपन क्या कर सकते हैं, अपने पास कुछ तोबा तोबा तो है नहीं, जैसे कि हम तोबा तोबा करके भी बारिश को है जो क्लीन कर सकते हैं, ये बारिश की वजह से जो नुकसान है वो होता रहेगा, बट आप सभी है जो ऐसे ही फॉलो करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आते हैं हम मिलते हैं आप सभी से।